Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Pallavi for requesting this topic and that is on methods of wage payment. जितनी भी industry जहाँ जो labor intensive industry होती है, उन labor intensive industry में generally जो labor को payment दी जाती है, वो wages के हिसाब से दी जाती है. अब इस wages को देने के कुछ payment के methods होते हैं, हम उसके बारे में इस session में discuss करेंगे. So let us discuss what are the different methods we have. The first method is called time rate system. The second is called the piece rate system and the third one is called incentive based system. ये तीनों ही methods का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक एक करके हम तीनों के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. Let's begin with the first one and that is called time rate system. अब ये time rate system कैसे काम करता है? So under this method the worker are paid the wages on the basis of time. यहाँ पर time के हिसाब से उनको payment की जाती है, मतलब वो जितना time काम करेंगे उस हिसाब से आप उनको payment करोगे. अब यहाँ पर क्या होता है, ये टाइम किस हिसाब का हो सकता है, ये पर आवर के बेसिस पे भी हो सकता है, पर डे के बेसिस पे भी हो सकता है, पर वीक के हिसाब से भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, 15 डेज और इट कुड बी पर मंथ. मतलब आप जितना टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है. इस सिस्टम की जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस सिस्टम में प्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब इम्प्लॉय कितने प्रोडक्टिव थे या उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, उन सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता. यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर कंसिडर होता है एंड दैट इज टाइम. इसलिए जो उसका सिंपल फॉर्मूला बन जाता है दैट इज टाइम स्पेंट बाय द वर्कर इनटू रेट ऑफ वेजेस टू टाइम. तो जो भी रेट चल रहा होता है, जो रेट कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, उस रेट के हिसाब से वो मल्टीप्लाई कर देती है आपके टाइम को, और जब आपके टाइम का जितना भी वेज बनता है फिर वो आपको उस हिसाब से पे कर देती है. अब इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में. सबसे पहला जो मेरिट है, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड मतलब सिर्फ टाइम के ऊपर बेस्ड है, तो एक ही फैक्टर को आपको कंसिडर करना है. सेकेंड जो है, यहाँ पर एक सर्टेनिटी है कि आपको टाइम के हिसाब से चूंकि पे करना है, तो एक सर्टेनिटी मिल जाती है वर्कर्स को कि इतना अमाउंट तो कम से कम हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने उतना टाइम वहां पे स्पेंड किया है, उतना टाइम हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है. तीसरी चीज, यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है, बिकॉज अगर ज्यादा टाइम वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम क्वालिटी प्रोडक्शन करें, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की तो कोई रेस है नहीं, दैट इज वाई वो क्वालिटी प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो मशीन्स हैं, ये सारी चीजों का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर टाइम प्रॉपर तरीके से हो पाता है इस मेथड में, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टाइम. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये आर्टिस्ट वर्क के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट का जो काम होता है वो जनरली टाइम बेस्ड होता है, मतलब उनको काफी टाइम लग सकता है, किसी एक ही चीज को प्रोड्यूस करने में भी काफी टाइम लग सकता है. सो इन दैट सिचुएशन इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर आर्टिस्टिक वर्क. एक चीज और यहाँ पे अच्छी होती है कि यहाँ पर यूनिटी और कोऑपरेशन देखने को मिलता है वर्कर्स के बीच में. उसका रीजन ये है कि जो वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, वो सभी लोगों को अपना अपना टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलना, इसी वजह से वो रिलैक्स रहते हैं, एक दूसरे से ना तो जेलसी करते हैं ना ही एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं. अब इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. जो पहला डिमेरिट है ऑब्वियसली कि इसमें काफी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलना है, इसलिए सुपरविजन लगातार आपको करना पड़ता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दूसरा, यहाँ पे इंसेंटिव्स कुछ भी नहीं मिलते, आप कितना भी ज्यादा अच्छा काम कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टाइम अगर मैंने और आपने बराबर लगाया है तो ऑब्वियसली हमारी सैलरी भी बराबर होगी, इक्वल होगी. देयर इज नो मोटिवेशन फॉर लेबर, लेबर के लिए कोई ऐसा सच मोटिवेशन यहाँ पे नहीं है. द ओनली मोटिवेशन इज द टाइम स्पेंट, तो वो टाइम को ही बस देखते रहते हैं कि टाइम हमारा टाइम बीतता रहे, रादर देन लुकिंग एट द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. द नेक्स्ट डिमेरिट इज ऑब्वियसली द मिसयूज ऑफ टाइम एंड टाइम बाय वर्कर्स. यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा वर्कर वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलनी है, तो वो प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सोच के बस टाइम के बारे में सोचता रहता है, और कॉस्ट पर यूनिट भी काफी आपका बढ़ जाता है उस वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज इतने वेस्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे कॉस्ट ऑफ यूनिट आपकी पर यूनिट जो है कॉस्ट आपको जो पड़ रही है वो हमेशा बढ़ जाएगी. डिफिकल्टी इन मेजरिंग एफिशिएंसी, यहाँ पर आप किसी के भी एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही फैक्टर तो आपने कंसिडर किया है वो टाइम. अगर एक्स पर्सन, वाई पर्सन, जेड पर्सन तीनों ने इक्वल टाइम लगाया है तो हम उसकी एफिशिएंसी को नहीं निकाल पाएंगे कि उसमें कौन सा पर्सन अच्छा था, कौन सा पर्सन ने अच्छा काम किया, कौन से पर्सन ने सही तरह से काम नहीं किया है. जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड द पीस रेट सिस्टम. अब पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो वेज पेमेंट होती है, यहाँ पर जो वर्कर्स को पेमेंट दी जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है. जो मेन फोकस होता है वो क्वांटिटी पे होता है, क्योंकि आपको पर पीस पेमेंट होनी है. वहां पे टाइम के हिसाब से पेमेंट होनी थी, यहाँ पर आपको पर पीस पेमेंट मिलनी है, तो इसी वजह से आपका पूरा फोकस आपकी क्वांटिटी पर होता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक स्टैंडर्ड रेट को सेट कर दिया जाता है जो पर यूनिट के हिसाब से सेट हो जाता है, और उसके बाद
आप वेजेस को देखते हो, दैट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट। तो जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और प्लस उसके कंपैरेटिवली आपने कितना रेट आपका चल रहा है पर यूनिट के हिसाब से, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही आपकी वेजेस बन जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूनिट पेमेंट आपको मिलनी है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। पहला मेरिट ऑब्वियसली यहाँ पर इंसेंटिव टू मोर वर्क है, मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरे वेजेस बढ़ जाएंगे। जो सेकंड बेनिफिट है दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, यहाँ पर मशीन भी अच्छे से यूटिलाइज होती है क्योंकि जो वर्कर का पूरा फोकस होता है वो मैक्सिमम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का होता है, तो जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा मशीन की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्कर टाइम पास नहीं करना चाहता, दे वांट टू वर्क मोर एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम को भी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि जनरली आप 8 आवर्स काम करते हो, तो अगर 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है तो आप 8 आवर्स के अंडर ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूट, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हो। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पर चूंकि आपका आपकी जो मैन पावर है और आपकी जो मशीन पावर है वो मैक्सिमम ही यूटिलाइज हो रही है, सो इन दैट सिचुएशन जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हमेशा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव कर लोगे। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, यहाँ पर आपको ज्यादा सुपरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वर्कर खुद ही मोटिवेटेड है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, तो उस वजह से क्या होगा आपको ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, वर्कर खुद ही पुश करेगा अपने आप को टू अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ। लेट्स टॉक अबाउट डिमेरिट्स, अब इसमें डिमेरिट्स क्या है, तो पहला डिमेरिट ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे वर्कर्स के बीच में यूनिटी देखने को नहीं मिलता बिकॉज जो वर्कर्स होते हैं उनका पूरा फोकस मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ होता है, तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से यूनिटी उनके बीच में कम हो जाती है। लॉस ऑफ वर्कर्स ऑन द फेलियर ऑफ मशीन्स, अब कई बार क्या होता है मशीन्स फेल हो जाते हैं, मशीन्स फेल होने की वजह से क्या होता है प्रोडक्शन कम हो जाती है और उस प्रोडक्शन कम होने का जो सारा नुकसान होता है वो सारा नुकसान जो है वो वर्कर को भरना पड़ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली मशीन्स के फेल होने की वजह से उनके वेजेस लेस हो जाते हैं। द थर्ड डिमेरिट इज द मिसयूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब चूंकि यहाँ पे पूरा फोकस जो है वर्कर का वो नंबर ऑफ पीस को बढ़ाने में है, नंबर ऑफ क्वांटिटी को बढ़ाने में है, तो वो कई बार आपके मशीन्स को मिसहैंडल कर देते हैं, कई बार रिसोर्सेस को वेस्ट भी करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट मोर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और कई बार तो काफी सारे यूनिट्स बिल्कुल क्वालिटी वाइज भी अच्छे नहीं होते जस्ट बिकॉज उनको क्वांटिटी चाहिए। एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, कई बार वर्कर्स ओवर टाइम करने लग जाता है, कई बार वर्कर बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर और उससे उसके वर्कर्स के हेल्थ को भी नुकसान होता है। प्लस देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अनस्टेबल फॉर आर्टिस्टिक वर्क, अनसुटेबल फॉर आर्टिस्टिक वर्क, ऑब्वियसली आर्टिस्टिक वर्क वर्कर्स के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है क्योंकि आर्टिस्टिक वर्क होता है कि आप बहुत टाइम लगा करके कोई एक यूनिट या दो यूनिट प्रोड्यूस करते हो, बट यहाँ पर क्या है आपका पूरा फोकस जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर है और जनरली वो आर्टिस्टिक वर्क के साथ लिंक्ड नहीं रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड एंड दैट इज कॉल्ड द इंसेंटिव वेज मेथड। अब इंसेंटिव वेज मेथड में क्या होता है, बोथ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम हैज सर्टेन ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ऑब्वियसली हमने पीस रेट और टाइम रेट में देख लिया है कि उसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, लेकिन इंसेंटिव मेथड को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसने दोनों मेथड्स के मेरिट को तो कंसिडर किया बट उनके डिमेरिट्स को आपने रिमूव कर दिया, उनके डिमेरिट्स कम हो गए। अब कैसे इसको इसमें क्या होता है, तो बेसिकली इस सिस्टम में बोथ द टाइम एंड स्पीड इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ वेज पेमेंट। तो यहाँ पे टाइम और स्पीड दोनों को कंसिडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द वेज। आपको अगर वेजेस को कैलकुलेट करना है तो आप टाइम को भी कंसिडर कर रहे हो और आप स्पीड को भी, मतलब नंबर ऑफ पीस रेट सिस्टम भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया और टाइम बेस्ड सिस्टम भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। इस सिस्टम में क्या होता है कि आप इंसेंटिव्स देते हो वर्कर्स को और उससे वर्कर्स को एक मोटिवेशन मिलती है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मेंटेनिंग द क्वालिटी एज वेल। आप ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, पिछले वाले मेथड में हम क्वांटिटी पे पूरा फोकस डाल रहे थे बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको इंसेंटिव्स को लेना है तो आपकी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करनी चाहिए। एक चीज और अच्छी है यहाँ पर कि आपको बोनस के फॉर्म में ये दिया जाता है, इट इज मोर लाइक अ प्रीमियम फॉर योर एडिशनल वर्क। आप जितना काम कर रहे हो उससे जब ऊपर काम करते हो तो उस एडिशनल वर्क के लिए आपको इंसेंटिव्स दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर एक गारंटी ऑफ वेजेस है, दैट मींस एक मिनिमम गारंटीड वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर पर डे का आपको 350 रुपीज मिलता है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो और अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स को ऐड करके आपको पे किया जाएगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि एक तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू अर्न मोर एंड मोर, मतलब एक बेसिक सैलरी तो आपको मिली रही है, आप उस सैलरी के ऊपर इंसेंटिव भी कमा सकते हो।
तो दूसरा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि इससे आपकी जो इसमें आपको सुपरविजन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इम्प्लॉयज खुद ही काफी मेहनत करता है और काफी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, बिकॉज उसको पता है कि उसको सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, प्लस उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलना है, तो वो अपने आप को पुश करता है टू अर्न मोर एंड मोर। मैनेजमेंट को भी काफी अलर्ट रहना पड़ता है इसमें, क्योंकि जितना भी फ्लो ऑफ प्रोसेस है, मटेरियल है, एडिक्वेट स्पेयर है, सब आपको ला के रखना पड़ेगा, सो दैट कि वर्कर्स डू नॉट रिपोर्ट प्रॉब्लम्स दैट रिटार्ड्स देयर अर्निंग। ऑब्वियसली अगर कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो उसकी वजह से वर्कर्स की सैलरी कम हो जाती है, उनका इंसेंटिव कम हो जाता है, इसलिए मैनेजमेंट को भी काफी हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है। इनफैक्ट वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट को लगातार अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्रॉब्लम को सही टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो उसकी वजह से उनकी अर्निंग इफेक्टेड होगी। एक और चीज जो यहाँ पर अच्छी होती है, वो इम्प्लॉयज को यहाँ पर काफी इनकरेज किया जाता है कि वो इन्वेंटिव बने, कुछ नई चीजों के बारे में सोचें। दे मस्ट अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ मीन्स ऑफ डूइंग देयर प्रोडक्शन टारगेट्स। उनको जो भी प्रोडक्शन का टारगेट मिल रहा है उसको अचीव करने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचें, और वर्कर्स भी इस बारे में लगातार प्रश करते हैं, ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी एनर्जी भी कम लगे और उनका जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाए। इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं, ऑब्वियसली कोई भी मेथड बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसके जो इल इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले तो अगेन कॉम्प्रोमाइज यहां भी देखने को मिलता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि इंसेंटिव हमेशा अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे तो कंसिडर, क्वांटिटी पे तो कंसिडर होता ही होता है, प्लस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिस कंपनी के अच्छे नहीं है, ये जो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉपरली इसको चेक नहीं करती, उसकी वजह से भी काफी बार प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए लोग यहाँ पर क्वालिटी में कई बार कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ये काफी रिजिड प्रोसेस है, एक बार इंसेंटिव सेट कर दिया कंपनी ने, आपको पता चल गया कि हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, तो इसमें जो मैनेजमेंट है उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर रिवाइज करना नॉर्म्स को या रेट्स को काफी आसान नहीं होता, क्योंकि आप जब भी रेट्स को रिवाइज करने जाते हो अक्सर आपको देखने को मिलता है या तो स्ट्राइक हो जाता है, या तो लॉकडाउन हो जाता है, या यूनियन काफी एक्टिव हो जाता है, तो उस वजह से ये काफी रिजिड प्रोसेस है। एक और जिसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट आ रही है, कोई फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट की वजह से कोई डिसरप्शन हुआ, तो वहां पर एम्प्लॉई हमेशा आपसे कहता है कि हमें तो हमारा कंपनसेशन चाहिए, मतलब हम तो काम करने के लिए तैयार थे, बट इट इज बिकॉज ऑफ यू जिसकी वजह से काम हमारा इफेक्टेड हुआ है, तो इस वजह से मैनेजमेंट यहां पर अगर फॉल्ट पे आई तब भी आपको एम्प्लॉई को पे करना पड़ जाएगा। वर्कर्स डिस रिगार्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस, ऑब्वियसली वर्कर का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा काम करने का है, क्योंकि एक तो बेसिक चीज है जो उसको करनी है, प्लस उसके ऊपर उसको इंसेंटिव लेने के लिए और ज्यादा प्रोड्यूस करना है, सो इन दैट सिचुएशन कई बार वो सेफ्टी के रेगुलेशंस को भी ब्रेक डाउन करता है, जो उसके अपने हेल्थ को भी रिस्क पर डाल देता है। और जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि मैक्सिमम सीली को अचीव करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ओवर वर्क कर देते हैं, ओवर टाइम कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनके हेल्थ पे काफी असर देखने को मिलता है। एक और जो मेजर प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिलती है वो जेलसी, बिकॉज यहां पर अगेन इंसेंटिव्स के लिए आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, किसी को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, किसी को कम इंसेंटिव मिलता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होती है अमंग वर्कर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम एंड इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कुछ भी अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे फिर अ न्यू टॉपिक।